नमस्कार दोस्तों, इन पिटूनिया को मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया है। देखिए, पिटूनिया हैंगिंग बास्केट में बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि इसे हम लटका कर रखते हैं और इन्हें लटका कर रखने के कारण ये बहुत भारी नहीं होने चाहिए। यदि हम इसे नॉर्मल पॉटिंग मिक्स में लगाते हैं तो यह बहुत वजन हो जाता है और भारी होने के कारण वे हैंगिंग के लायक या लटकाने के लायक नहीं रह जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, नंबर वन, पिटूनिया के हैंगिंग बास्केट के लिए लाइट वेट, हल्की फुल्की और न्यूट्रिशियस सॉयल मिक्स कैसे तैयार करें। नंबर टू, पिटूनिया को हैंगिंग पॉट में लगाने के लिए क्या सावधानियां बरतें। नंबर थ्री, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने के लिए क्या ट्रिक अपनाएं। नंबर फोर, पिटूनिया हैंगिंग बास्केट को फर्टिलाइज़र क्या दें जिससे कि ये मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग करते रहें, यानी कि पिटूनिया हैंगिंग बास्केट की केयर कैसे करें। आप भी पिटूनिया का हैंगिंग बास्केट तैयार करना चाहते हैं तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। पिटूनिया के इन प्लांट्स को मैंने नर्सरी से ख़रीद कर लाया है और इसके प्रति पीस का मुझे देने पड़े हैं 20 रुपीज़। और ये देखिए, ये इस प्रकार के प्लास्टिक बैग में, लगभग ये 3 या 4 इंच का प्लास्टिक बैग है, इसमें ये लगाए गए हैं। तो इसे ला कर के मैंने देखिए एक टब में पानी भर लिया है और इसमें इन प्लांट्स को मैंने रख दिया है। और ये देखिए, इस प्रकार से ये इन्होंने पानी भी सोख लिया है और ये मिट्टी भी गीली हो गई है। तो आगे की वीडियोस में मैं यह भी बताऊंगा कि मैंने ये क्यों किया है। और इस प्रकार से पिटूनिया के प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करने से पहले हमें इस प्रकार क्यों करना चाहिए, तो चलिए मैं आप बता देता हूँ आप लोगों को। सॉइल मिक्स, तो इसे हम आज इस तरह के हैंगिंग बास्केट्स में लगाने वाले हैं क्योंकि हैंगिंग बास्केट को तो हम टांगते हैं, इसीलिए इसमें हमें एक बहुत ही लाइट वेट सॉइल मिक्स की आवश्यकता होगी और वो न्यूट्रिशन से भरपूर भी होना चाहिए और उसी तरह वेल ड्रेन्ड होना चाहिए क्योंकि पिटूनिया को एक मॉइस्चर वाला सॉइल मिक्स पसंद है, लेकिन वो वेल ड्रेन्ड भी होना चाहिए जिसमें कि वो एक्स्ट्रा वाटर उसमें रुक ना पाए। इसके लिए मैं ले रहा हूँ ये नॉर्मल गार्डन सॉइल, ये ले रहा हूँ एक पार्ट ले रहा हूँ ये कोकोपीट। कोकोपीट एक बहुत ही बढ़िया सॉइल कंडीशनर है और मॉइस्चर को भी बहुत ही बढ़िया रिटेन करता है। ये हम लेंगे एक पार्ट। ये ले रहा हूँ मैं वर्मी कंपोस्ट भी हम लेंगे एक पार्ट। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट खाद का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी कंपोस्ट को ले सकते हैं। इसे हम मिला देते हैं। ये तीन मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं और इसमें हम लगभग एक मुट्ठी ये नीम खली मिला देंगे। चलिए इसे हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और हमारा ये न्यूट्रिशन से भरपूर सॉइल मिक्स तैयार है और ये उतना ही लाइट वेट भी है। देखिए, ये उतना ही लाइट वेट है और पोरस है, कहने का मतलब है कि वेल ड्रेनिंग है जिससे कि पानी, एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाएगा। अब हम लोग ले लेते हैं अपना ये पॉट। पिटूनिया को हैंगिंग बास्केट में लगाने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। हम जो भी हैंगिंग बास्केट लेंगे, आप जिस प्रकार का भी हैंगिंग बास्केट लें, उसमें होल्स अवश्य बना लें। मैंने इसे लोहे की छड़ को गर्म करके इसमें इस प्रकार से होल्स बना लिए हैं और इस पॉट में जो हमने ड्रेनेज होल्स बनाए थे उसे हम पुराने गमलों के टुकड़ों से इसे ढक देंगे। तो अब चलिए इसमें हम लोग सॉइल मिक्स भर लेते हैं। इसे हल्के हल्के हाथों से यूँ दबा दें। अब यहाँ पर आता है पॉइंट कि हमने इसे पहले से पानी में डुबा कर क्यों रखा जिससे कि इसकी मिट्टी गीली हो गई है। तो चलिए, इसके लिए मैं पहले इसको हटा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी सख्त है इसकी मिट्टी, ये
नर्सरी वाले ये मिट्टी इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन पौधों को ट्रांसपोर्ट करना होता है एक जगह से दूसरे जगह, बड़ी नर्सरी से छोटी नर्सरी में लाना होता है, और इस क्रम में कहीं इसके रूट्स टूट ना जाए, इसके रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए ये इस प्रकार की मिट्टी लगा देते हैं। अगर आप देखेंगे इन्होंने भी इसे कंपोस्ट में ग्रो किया था और अच्छा खासा कंपोस्ट मिलाया हुआ था, तब जा कर के यह प्लांट जो है इतना बढ़िया ग्रोथ किया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट करने के लिए वे इस प्रकार की हार्ड मिट्टी चारों ओर लपेट देते हैं। किस प्रकार से चिपक रहा है, ये किसी भी तरीके से वेल ड्रेन नहीं है और इसमें रूट्स भी आसानी से फैल नहीं पाएंगे। अब तो मुझे इन प्लांट्स को लगाने के लिए ग्लव्स को हटाना ही पड़ेगा। अब इसे जो है इस प्रकार से बीच में रखिए, चारों ओर से मिट्टी दे दीजिए। देख रहे हैं मेरे वर्मी कंपोस्ट में अभी भी केंचुआ है, ये देखिए। इसे इसमें रहने दीजिए क्योंकि ये अर्थवर्म्स, ये केंचुए हमारे दोस्त हैं। अब इसमें देना है पानी, लेकिन पानी देने से पहले मैं एक प्रो टिप देना चाहूँगा। आप कहेंगे इतने प्यारे प्यारे फूल आए थे, इन्होंने काट कर हटा दिया। ये जो प्लांट है फ्लावर प्रोड्यूस करने में ज़्यादा पावर नहीं लगाएगा, बल्कि और भी नए नए ब्रांचेस निकालने में अपना जो एनर्जी है वो लगाएगा, और जिससे है कि और नए ब्रांचेस आएंगे, और ये जो हमारा पॉट है ये पूरा पत्तों से और ब्रांचेस से भर जाएंगे, और जितने अधिक ब्रांचेस आएंगे उतने ही अधिक हमें फूल भी मिलेंगे। इस प्रकार से हमने ये 10 हैंगिंग पॉट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो अब हम इसमें दे देंगे पानी, और पानी अच्छी तरह से देंगे, फर्स्ट टाइम वाटरिंग कर रहे हैं। अब इन्हें हमें कम से कम 2 दिनों के लिए सेमी शेड वाली एरिया में रखना है, उसके बाद जब ये अपने आप को स्टेबल कर लें तब हमें इसे फुल सनलाइट वाली जगह पर इसे रखना है, ताकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकें और इनका ग्रोथ बढ़िया हो सके और हमें बढ़िया प्लांट्स और मैच्योर्ड प्लांट्स मिल सकें। हैंगिंग बास्केट में इन पिटूनिया को लगाने के 20 दिन बीत चुके हैं, और इन 20 दिनों में ही देखिए ये कितना बढ़िया फ्लरिश कर रहे हैं, और सभी में कलियां आने लगी हैं और किसी में तो फूल भी खिल उठे हैं, ये देखिए। तो इस बीच हमें इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है, इसमें हमेशा हमें नमी बनाए रखना है। ये देखिए, इसमें पानी देने से पहले हमें इसकी मिट्टी को इस प्रकार से चेक कर लेना चाहिए, निकाल निकाल करके। लेकिन इसको अभी भी हम टांगेंगे नहीं, इसे हम थोड़ा और ग्रो होने देंगे। जब ये बोशी होकर के बाहर निकल आएगा, ये चारों ओर से इसका ग्रोथ फैल जाएगा, तब हम इसे ऊपर टांगेंगे और इसे लटकाएंगे, और तब इसकी खूबसूरती देखते ही बनेगी। नंबर 3, तो अब बात कर लेते हैं पिटूनिया हैंगिंग बास्केट्स के लिए सनलाइट्स की रिक्वायरमेंट की। तो इन हैंगिंग बास्केट्स को ऐसी जगह आप हैंग कीजिए, टांगिए, जहाँ की इसे कम से कम 4 से 6 घंटों की धूप अवश्य मिले, और ये जितना अधिक ये ठंडे में धूप इन्हें मिलता है उतना ही अधिक इनका ग्रोथ होता है और उतना ही अच्छा ये फ्लावरिंग करता है। फर्टिलाइज़र फॉर पिटूनिया हैंगिंग बास्केट्स। पिटूनिया के हैंगिंग बास्केट झूलते रहते हैं, जो ऊपर लटकते रहते हैं, इसलिए इसमें हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए, और लिक्विड फर्टिलाइज़र हैंगिंग बास्केट के लिए सबसे परफेक्ट होते हैं। पर पहली बार पौधा लगाने के 15 से 20 दिनों के बाद ही लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू करना चाहिए। इसके लिए आप मस्टर्ड केक की फर्टिलाइज़र यानी कि सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसे हर 7 से 10 दिनों के अंतराल में दें। आप इसमें गोबर की खाद का या वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, वह भी 7 से 10 दिनों के अंतराल पर। यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप DAP दे सकते हैं या फिर NPK 10-26-26 दें। तो इसे कब कब देना होगा, तो आप DAP या फिर NPK 10-26-26 के 7 से 8 दाने हर 10 दिनों में दें, और जैसे जैसे पौधे का ग्रोथ होता जाता है, डालियों की संख्या बढ़ती जाती है, फोलियज अधिक होते जाता है, उसी अनुपात में इनके 4 से 5 दाने बढ़ाते जाएं।
अब चलिए जान लेते हैं पिटूनिया में ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाने के लिए क्या करें। तो समय समय पर आप इसकी डेड हेडिंग करते रहिए। इसके जो स्पेंट फ्लावर्स हैं, जो सूख चुके फूल हैं, मुरझा चुके फूल हैं, उनको समय समय पर काट करके हटाते जाइए। इसे ही डेड हेडिंग कहते हैं, जिससे कि प्लांट सीड्स बनाने में अपना एनर्जी ना लगाएगा, लेकिन वो और न्यू बर्ड्स निकालेगा और न्यू फ्लावर्स का ग्रोथ करेगा। इस प्रकार से आप पिटूनिया में और ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और प्लांट के साथ। तब तक देखते रहिए फीलिंग्स ऑफ गार्डनिंग। हैप्पी गार्डनिंग।